100 की स्पीड से चलते हैं तो यह हेलमेट आपके लिए ठीक है, और यदि आप 100 की स्पीड से ऊपर चलते हैं तो आपको तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह का बॉक्स मुझे अमेजोन से रिसीव हुआ है, आप देख पा रहे होंगे अभी सील्ड बॉक्स है, अभी इसको मैंने ओपन नहीं किया है। और यहाँ पर आप कुछ इस तरह का बॉक्स है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभी बिल्कुल सील्ड बॉक्स है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको अभी हम ओपन करते हैं और इस हेलमेट को देखते हैं। स्टील बर्ड का यह हेलमेट है और यहाँ पर अभी हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इसको ओपन करते हैं। चलिए हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। कुछ इस तरह की इसमें पैकिंग आती है, यह यहाँ पर फोम है, थर्माकोल है, तो इसको मैं सावधानी से निकालता हूँ। यह हेलमेट और यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ पर इस तरह से आपको यह हेलमेट मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स यह ग्रे कलर का हेलमेट है, ग्रे और ब्लैक का इसमें कॉम्बिनेशन है। एयर वेंट्स दे रखे हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से हवा जाने के लिए, और यहाँ पर एक एयर वेंट यहाँ पर है, और यह एग्जॉस्ट पीछे दे रखा है यहाँ से हवा निकलने के लिए। हेलमेट काफ़ी लाइट वेट है, देखिए 580 mm का इसका साइज़ है, मिडिल साइज़ मेरे आता है, और यहाँ पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और यहाँ पर इस हेलमेट का वेट है लगभग 980 grams, लगभग 1 किलो का यह हेलमेट है टू व्हीलर। तो फ्रेंड्स काफ़ी लाइट वेट हेलमेट है, और इसके एक ख़ास फीचर के बारे में भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर यह स्टील बर्ड की स्टिकर है, और एक एयर वेंट यहाँ पर है, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको यहाँ से हम ओपन करते हैं, इस तरह का हेलमेट है, और यहाँ पर इसकी पैडिंग है, यह क्विक रिलीज सिस्टम है, इसको आप खींचेंगे तो यहाँ पर यह निकल जाएगा इस तरह से। इसको ऊपर की तरफ ऐसे खींचना नहीं पड़ता है, इसको ऊपर की तरफ ऐसे उठाना पड़ता है तब ये जाकर निकल जाता है। और यहाँ पर कुछ इस तरह की आपको पैडिंग मिलने वाली है, काफ़ी सॉफ्ट इसकी पैडिंग है, और यहाँ पर आप कुछ इंटरकॉम डिवाइस वगैरह रखने के लिए यहाँ पर देखिए आपको पॉकेट भी मिलने वाला है एयर्स के लिए। तो फ्रेंड्स और यहाँ पर एक स्पेशल फीचर है इस हेलमेट में, इसको यदि हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डुअल वाइज़र का यह बटन दिया हुआ है, इसको हम ऑन ऑफ करते हैं। देखिए यहाँ पर ये डुअल वाइज़र आ गया, यह आप धूप में इसको यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको यदि आप अंदर करना चाहें तो यहाँ पर अंदर कर सकते हैं, और यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स हेलमेट काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रैपर निकालने से पहले एक बार आप हेलमेट को चेक ज़रूर कर लें कि यह आपके फिट है या नहीं है, यदि फिट नहीं है तो तुरंत ही आप इसको रिटर्न कर दें यदि आपने ऑनलाइन साइट से परचेस किया है, जैसा कि मैंने यह अमेजोन से परचेस किया। तो सबसे पहले हम इसकी फिटिंग टेस्टिंग करने वाले हैं, उसके बाद हम स्क्रीन पर जो स्टिकर लगा हुआ है उसको हटाएँगे, और उसको हटाने के बाद मैं एक बार फिर से आपको पहन के दिखाऊंगा कि यह हेलमेट कैसा लग रहा है। तो इस तरह से आपको टेस्टिंग करनी है कि यह आपके फिट है या नहीं है। बिल्कुल फिट है हेलमेट, क्योंकि मैंने अपना जो हेड है उसको साइज़ को ध्यान में रखकर ही इसको मंगवाया था, और आप यहां से यह लुक आप देख सकते हैं कि पहनने के बाद यह लुक कैसा लगता है।
यह है स्टील वर्ड का एयर SBA-1R2 के इस तरह का यह इसका लुक रहता है लेफ्ट एंड राइट से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें डुअल वाइजर है तो जो सेकंड वाला वाइजर है स्मोक वाइजर है जिसको आप सनलाइट में यूज़ कर सकते हैं। यह वाइजर फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइजर है क्योंकि कभी कभार हम गॉगल्स नहीं ले जाते हैं तो यह वाइजर आपको हेलमेट में ही इनबिल्ट मिल जाता है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं सनी डे में। और इस तरह से क्विक रिलीज सिस्टम है, आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए यदि कोलिजन हुआ तो उसमें हेलमेट निकलेगा या नहीं निकलेगा और यदि निकलता है तो कितना निकलता है। तो इस तरह से आप सारी टेस्टिंग करने के बाद ही स्क्रीन पर जो स्टिकर लगा है इसको आप हटाएं। ये देखिए फ्रेंड्स यह स्क्रैच रेजिस्टेंस इसका वाइजर है। यदि आप इसे इस स्क्रीन पर कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं लगेगा तो यह इसकी सबसे अच्छी बात है। मैंने हेलमेट को टेस्ट भी किया है बाइक पर तो इसका रिव्यू मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और हेलमेट बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और यह इसका प्राइमरी स्क्रीन का स्टिकर है। और इसके बाद हम इसकी जो स्मोक स्क्रीन के स्टिकर को हटाते हैं तो लुक कैसा आता है यह भी आपको अभी पता लग जाएगा। तो इस तरह से आपको वाइजर का स्टिकर रिमूव करना है और इसके बाद मैं एक बार फिर से आपको इस हेलमेट को पहन के दिखाऊंगा कि आपको आप देख सकते हैं कि इसका लुक कैसा लगता है। और फ्रेंड्स यदि आप बाइक पर 80 की स्पीड या 100 की स्पीड से चलते हैं तो यह हेलमेट आपके लिए ठीक है। और यदि आप 100 की स्पीड से ऊपर चलते हैं तो आपको डॉट सर्टिफाइड हेलमेट ही परचेस करना चाहिए क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती क्योंकि वह काफ़ी ड्यूरेबल हेलमेट होते हैं। यह ISI सर्टिफाइड हेलमेट है, यह भी अच्छे हैं बट एवरेज स्पीड के लिए क्योंकि अपाचे 164 भी स्पेशल एडिशन है उसके अकॉर्डिंग यह हेलमेट काफ़ी अच्छा है क्योंकि मुझे लगभग 80 की स्पीड से चलना होगा तो 80-100 की स्पीड से ही मैं चलता हूँ तो उसके लिए यह हेलमेट बिल्कुल ठीक है। और यह लुक फ्रेंड्स आता है हेलमेट का, आप देख पा रहे होंगे हेलमेट काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स। और इसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अपाचे के जो 164 भी स्पेशल एडिशन आया है नया ही मार्केट में 2022 वाला, यदि आप वह बाइक परचेस करने का सोच रहे हैं तो उसके सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें।